हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट और 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रेस कोर्स 4 एग्जाम चैप्टर नंबर 4 आरबीएससी इंग्लिश मीडियम लीनियर इक्वेशन ए टू ए। लीनियर इक्वेशन मींस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई जो है टू वेरिएबल्स है, ए बी सी रियल नंबर्स है। अब इसमें साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस मींस दो इक्वेशन गिवन होगी, ax प्लस by प्लस इक्वल टू जीरो, ax प्लस by प्लस इक्वल टू जीरो। दोनों सेम है तो इनमें सेम है तो इसमें पहले वाली को वन वन एंड अब इसमें क्या करना है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है लीनियर है और इनका ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए मुझे पहली कंडीशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये रेशियो जो कंपेयर करोगे तो इसमें आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर इसमें दूसरा कंपेयर करोगे ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब ये जो रेशियो कंपेयर करोगे तो इसमें आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और इसका आएगा मेनी मोर सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी और कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन का नाम आपको। तीसरा है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। दो इक्वल हो और तीसरा इस वन इक्वल हो तो इसमें बनता है जो ग्राफ है पैरेलल लाइंस बनेगा, पैरेलल लाइंस और इसका आएगा नो सॉल्यूशन, क्या आएगा नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका जो ग्राफ आएगा जो वो कोइंसिडेंट ये लाइन पे और लाइन आएगी और इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है, ये इसका ग्राफ आएगा। अब आपके जो एग्जाम में आएगा वो ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इक्वल टू 10 एक्स माइनस ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और क्वेश्चन आएगा सॉल्व है। अब सॉल्व करना है तो इसका सबसे पहले रेशियो कंपेयर करोगे, रेशियो कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1। तो ये रेशियो कंपेयर किया तो इसका हमें पता चल गया सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू है जो एक से ज्यादा नहीं होगी, एक रियल नंबर होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बहुत इजी है, टेबल बना सकते हो। इसकी टेबल है जो एक्स वाई आप मिनिमम टू भी ले सकते हो, वैल्यू थ्री भी ले सकते हो, टू और थ्री के बीच में रखना। जैसे इसकी टेबल बनाना है एक्स जीरो वाई टेन और वाई जीरो एक्स टेन। अब इसकी बनाना है एक्स वाई एक्स जीरो वाई माइनस फोर और वाई जीरो y0 x4 और इसका ग्राफ बना के एक तो ये लाइन हो जाएगी और एक ये लाइन। इस लाइन पे जैसे x plus y equal to 10 लिखा, इस लाइन पे x minus 4 equal to x minus y equal to 4 लिखा। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और आपको फिर इसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको डॉट डॉट करके y एक्सिस से मिलाना और इसको x एक्सिस, ये इसका सॉल्यूशन होगा।
ये है जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो x equal to 7 y equal to 4 x equal to 7 और y equal to 4 और अगर आप इसको चेक करना चाहो तो एक दोनों इक्वेशन में रखे वैल्यू को चेक कर सकते हो वेरीफाई कर सकते हो और कई बार आपको जैसे ट्रायल में बनता है इसके भी वर्टेक्स निकालना हो तो बहुत इजी ये वर्टेक्स ये और ये तो x एक्सिस से हो गया और अगर y एक्सिस से हो तो ये y एक्सिस का अगर ट्रायंगल हो जाए ये y एक्सिस का ट्रायंगल दोनों लाइन और y एक्सिस दोनों लाइन और x एक्सिस तो ये अगर दोनों लाइन और x एक्सिस का पूछे तो इस टाइप के ट्रायंगल को शो करना है दोनों लाइन और y एक्सिस का पूछे तो इस ट्रायंगल को शो करना है और वर्टेक्स निकालना और x y ऐसे इक्वेशन दे दे ax 4y equal to 6 इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये x की वैल्यू पुट कर दो y की वैल्यू पुट कर दो ये हो जाएगा 2 तो a equal to 2 upon 0 तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी ग्राफ बनाओ ग्राफ बनते ही आपको x y की वैल्यू आ जाए कई बार x टर्म पूछ ले ट्रायंगल विद x एक्सिस तो आपको ये शो करना है ट्रायंगल विद y एक्सिस तो ये शो करना है और कई बार केवल ऐसे इक्वेशन देके a की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले तो x और y की वैल्यू पुट करो और अननोन वैल्यू होती है a वो फाइंड आउट इसी वे में हो जाती है तो ये चैप्टर नंबर 4 का है ये तो इक्वेशन का हो गया इन इक्वेशन क्या होती है इन इक्वेशन में ax plus by less than greater to ax plus by ये greater equal के सिंबल आएंगे इसको बोलते हैं इनइक्वेशन यानी इनइक्वालिटी और इसमें आपको x plus y tan x minus y ये बन गई इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन यहाँ पे तो इक्वल सिंबल है और यहाँ पे greater less का सिंबल है तो ये इनइक्वेशन बन गई इसका भी ग्राफ बनाओगे तो इसी टाइप का ही बनाओगे ग्राफ बनाओगे जो इक्वेशन का बनाते हो उसी टाइप में बनाना है और ये बन गया ग्राफ अब इसमें क्या करना है वेरीफाई करना है कि कौन सा सैडल इक्वेशन है जैसे x और y 0 0 अब ये क्या हो गया 0 0 0 ही होता है अब ये क्या शो करता है इसका मतलब क्या है 0 इज लेस देन 4 लेस देन 4 है इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इस लाइन पे जो है इस तरफ आए जो सैडल रीजन है वो इस तरफ आए ये सैडल रीजन हो गया इसमें ओरिजिन भी इंक्लूड होगा ओरिजिन ये रहा ओरिजिन इंक्लूड हो गया और अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता तो इसका ओरिजिन इंक्लूड नहीं होता इस तरफ तो ये इस लाइन का हो गया और फिर इसमें क्या करना है इसका जीरो है जीरो प्लस जीरो तो ये क्या है जीरो जीरो अब इसमें क्या है जीरो इज ग्रेटर देन टेन यानी कि टेन से ग्रेटर है तो ये जो लाइन है अब इस लाइन के इस तरफ में नहीं है ये इस तरफ में है और अब दोनों का कंबाइन तो ये हो जाएगा अपना सैडल ये और यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा इस लाइन पे और यहाँ पे वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सबसे पहले आपको दोनों सेपरेट लाइंस इनइक्वालिटी के निकालने पड़ेंगे सैडल रीजन फिर इन दोनों का कंबाइन सैडल रीजन शो करना तो ये फोर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है इक्वेशन का इनइक्वालिटी का और कम क्वेश्चन आता है फिर भी अपने को सैडल रीजन का ध्यान और यूनिवर्सल ट्रूथ का ज्ञान है तो ये चैप्टर नंबर 4 इजी है और ग्राफ ठीक है इसमें डाउट्स आए तो कोचिंग आके संपर्क